पंथक सफां दे विच सब तो अगे खड़न वाले कुछ लीडरां दे विचों कुछ सियासी और पंथक आगुआं दे विचों एक नाम बीबी करनजोत कौर का भी है। बीबी करनजोत कौर का एक इतिहास है, उन्होंने परिवार का इतिहास है। मास्टर तारा सिंह दे दोती ने और समय समय से आवाज़ चुकते नज़र आते रहे ने। बीबी किरणजोत कौर ने दोबारा आवाज़ चुकी है। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक बीबी किरणजोत कौर सोशल मीडिया का रुख करते नज़र आए ने और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ या मौजूदा सरगर्मियों के खिलाफ टिप्पणी करते नज़र आए ने। सुखबीर सिंह बादल तनखाइया करार ने और इस दरम्यान उन्हां दीआं गतिविधियां वधदीआं जा रही। उस उत्ते बीबी किरणजोत कौर ने जिहड़ी टिप्पणी की है, पहलां तां तुहानूं उह सुणाउंदे आ, उस तों बाद इहनूं अंडरस्टैंड करन दी कोशिश करदे आ की बोलदे ने की लिखदे ने, तुहानूं पढ़ के सुणाउंदे। बीबी किरणजोत कौर अपनी फेसबुक के उत्ते कुछ लाइनां लिखदे ने जिन्हां दा वेरवा कुछ इस तरह है कि इउं जापदा है कि पंथक जज्बा ते मर्यादा श्रोमणी कमेटी ते जथेदारां ने अखों परोखे कर दित्तियां ने। कौम दे इतिहास विच पहली वार है कि तनखाइया प्रधान श्रोमणी कमेटी मैंबरां नाल मीटिंग कर रहा है ते कोई सिद्धांत बारे गल नहीं की जा रही, ना ही इस गल की कोई जरूरत समझी जा रही है। अगे साफ मैनशन करते हैं बीबी किरणजोत कौर, कहिंदे कि तुहाडा कख नहीं रहा। सीधे तौर दे उत्ते भड़कते नज़र आए बीबी किरणजोत कौर, कहिंदे कि तनखाइया करार दिता गया अकाली दल का प्रधान एस जी पी सी मैंबरां दे नाल मीटिंग्स करता पिया। इत्थे आके सवाल वाजब तौर पर खड़ते हैं क्योंकि मर्यादावां कुछ होर कहिंदियां, सिख मर्यादा जिहड़ी है वह कुछ होर दसदी है, सिख इतिहास कुछ होर दसदा है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदारां दा उन्हां दे वलों जारी हुक्मनामिया का इतिहास कुछ होर दसदा है और जाहिर तौर के उत्ते बीबी किरणजोत कौर इन्हां इतिहासक नुक्तियां दे तों वाकफ होणगे, इहदे विच कोई दो राय भी नहीं है क्योंकि वह एक वड्डे सिख इतिहास दे नाल जुड़े हुए ने। बीबी किरणजोत कौर मास्टर तार सिंह दे दोती ने और नाल दी नाल ही पंथक पद्धर के उत्ते रवायतों खूब समझते हैं। हुण जे रवायतों की गल करिए, मर्यादा की गल करिए, तो सिख मर्यादा तो यह कहती है या कह दी अकाल तख्त साहब की मर्यादा तो यह कहती है कि जिहड़ा तनखाइया करार दिता गया होवे वह कट्ठ नहीं कर सकता, इजलास नहीं कर सकता, हजूम नहीं इकट्ठा कर सकता, वह किसी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। और नाल दी नाल ये भी मर्यादा कहती है कि जिहड़ा तनखाइया करार दिता गया हुंदा है उस शख्स के नाल जब तक उन्हें तनखाह नहीं लग जाती, मामला निबड़ नहीं जाता, उद तक उन्हें कोई माड़ा मेल मिलाप नहीं रखना सिख नूं। और ये पंथक पद्धर के उत्ते हुक्मनामे जारी होंदे रहे ने, इतिहास गवाह इन्हां चीज़ों का। बीबी किरणजोत कौर तो चीज़ा समझते हैं पर सुखबीर सिंह बादल जिहड़े ने वो तनखाइया करार तो दिते गए ने, हालांकि हुक्मनामे नूं लैके अजे तक विवाद है। तनखाइया करार दिते गए ने पर इस दरम्यान वो पंथक इकट्ठ भी कर रहे हैं, वो इजलास भी कर रहे हैं, वो कट्ठियां बुला भी रहे हैं, मीटिंग्स करते पे ने, सद्दे पे ने एस जी पी सी मैंबरस नूं, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरस नूं सद्दे पे, उन्हां नाल मीटिंग्स करते पे है, श्रोमणी अकाली दल के लीडर नाल मीटिंग करते पे है। ये वो पार्टी है या ये वो ऑर्गनाइजेशन है जिहड़ी पंथक मर्यादावां दी बुनियाद उत्ते खड़ियां ने। एस जी पी सी एक सिख ऑर्गनाइजेशन है जिहड़ी निरोल पंथक ऑर्गनाइजेशन है। हुण जे एस जी पी सी दे मैंबरां नूं इह नहीं पता या इसका ऐलान नहीं हैगा तो यह अपने आप च सवाल नहीं खड़ा हुंदा कि सिख मर्यादा की कहिंदी है। दूजे पासे एस जी पी सी दे मैंबरां नूं छड्डीए तां श्रोमणी अकाली दल दे लीडर भी आ जांदे ने, कि श्रोमणी अकाली दल दे लीडरां नूं भी नहीं इस मर्यादा का पता, कि कल्ले बीबी किरणजोत कौर नूं ही पता। खैर ये मसले जरूर खड़े होने वाजब भी सी, बनते भी सी, ये मसले उस वेले भी खड़े होए जदों सुखबीर सिंह बादल नूं स्पष्टीकरण देने लई सद्या गया या फिर जदों सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया करार दिता गया, तो उस तों बाद सुखबीर सिंह बादल जिहड़े जांदे ने ते जाके दुबारा श्री अकाल तख्त साहब चिट्ठी दे के आंदे ने, उदों भी सवाल खड़े होए सी कि जदों तनखाइया करार दे दिता गया तो फिर सुखबीर सिंह बादल नूं यह अहुदा किसने दे दिता कि श्री अकाल तख्त साहब जाके तो अपने रुतबे के आधार के उत्ते जाके उत्थे जथेदार नूं मिल सके या उन्हां नूं कोई चिट्ठी सौंप सके या उत्थे अरदास कर सके। सवाल तो खड़े ने वाजब भी सी, खैर खड़े भी है। इस दे नाल नाल सुखबीर सिंह बादल नूं लैके मसले ज़्यादा गंभीर होंदे जा रहे ने। बीबी किरणजोत कौर ने भी इस उत्ते आवाज़ चक्की है, तराज़ चक्या है और आउंदा समा इस मामले नूं लैके की कुछ लैके आवेगा सवाल यह भी बरकरार है। जो भी होएगा दसदे रहांगे, बने रहो वन इंडिया पंजाबी ते।